सुखी कौन है? आज के इस वर्तमान समय में इस भौतिकवादी युग में मनुष्य का मन अनेकों व्याधियों से ग्रसित है। कई रोग उसको व्याप्त है, कई व्याधियां उसे व्याप्त हैं। वो सुख को तराशता है, सुख को ढूंढता है, लेकिन उसके जीवन में कहीं भी कोई सुख नजर नहीं आता। जितना ढूंढता है उतना ही दुखी होता है और फिर रोता है, फिर चिल्लाता है कि मेरा जीवन दुखी हो गया, मेरा जीवन अशांत हो गया। कारण समझ में नहीं आता कि उसका जीवन दुखी क्यों है, वो क्यों दुख को भोग रहा है। हमारे धर्मशास्त्र, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े महापुरुषों की वाणियां कहती हैं कि सुख हमारे भीतर है। यह जीवन तो सुख की खान है। यह जीवन तो अविनाशी है, इसका कभी विनाश भी नहीं होता। लेकिन विडंबना यह है कि यह जीवन अविनाशी है, हमारा जीवन सुख की खान है, सुख के सारे स्रोत हमारे भीतर छुपे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीव फिर भी दुखी है, फिर भी अशांत है, अनेकों व्याधियां, अनेकों संताप उसके जीवन में बने हुए हैं। आखिर फिर क्यों? जब सुख का स्रोत उसके भीतर है तो उसे सुखी होना चाहिए था, उसका जीवन अशांत क्यों है? उसका जीवन दुखी क्यों है? वो सुख की तलाश में इधर उधर क्यों भटकता है? प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है, शांति की खोज कर रहा है, और उस सुख की खोज में, उस शांति को प्राप्त करने के प्रयास में बहुत कुछ कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे सुख और शांति प्राप्त नहीं हो रही है। आखिर कारण क्या है? कुछ लोग ईश्वर को दोष लगाते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों को दोष लगाते हैं कि हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम सुखी हो सके, हमारे पास धन की कमी है, या फिर भगवान ने हमें यह नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया। वो तरह तरह का दोषारोपण ईश्वर के ऊपर, काल के ऊपर, माया के ऊपर लगाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। और हमारे महापुरुष, सिद्ध महापुरुषों ने, शास्त्रों की वाणियों ने जिस रहस्य को हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया, उस रहस्य से हम अनभिज्ञ ही रह जाते हैं जब तक वो रहस्य प्रकट नहीं होगा। वो सुख जो हमारे भीतर है वो कैसे है? अनंत सुख और अनंत आनंद का स्रोत हमारे हृदय के भीतर है, लेकिन फिर भी हम दुखी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आखिर क्यों ये दुख? क्यों ये संताप? किस लिए? मनुष्य सुखी हो जाए, वो शांत हो जाए। सत्य तो ये है कि उसे सुखी और शांत होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो, उसका सुख उसके स्वयं के भीतर है, वो आत्मस्थित है। जब उसका मन भी आत्मस्थित होगा, जब उसका मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होगा, जब
हम बाह्य अन्वेषण करने के बजाय आत्म अन्वेषण करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो निश्चय ही उस सुख का स्रोत भी हमें प्राप्त हो जाएगा जो कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। सुखी होने का लक्ष्य कभी भी गलत नहीं है। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य सुखी होना चाहता है, लेकिन वो सुख को प्राप्त नहीं कर रहा। वो धन प्राप्त कर ले रहा है, वो विद्याएं प्राप्त कर ले रहा है, लेकिन वो सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा। कारण क्या है? क्योंकि उस स्रोत से, उस ज्ञान से, उस आत्म अन्वेषण से, वो स्वयं के ज्ञान से अनभिज्ञ है। जिस दिन वो स्वयं को जानेगा, वो सब कुछ जान लेगा। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। जो स्वयं को नहीं जानता वो स्वयंभू को नहीं जान सकता, क्योंकि स्वयंभू अर्थात वो ईश्वर, वो परमात्मा, उसके जानने का मार्ग तो स्वयं के भीतर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। वो सुख की खान है, वो सुख की स्रोत है। वो स्रोत, उस स्रोत तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो आत्म अन्वेषण के द्वारा, आत्म स्थित होकर, अंतर्मुखी होकर स्वयं को जानना पड़ेगा। सुख दुख का अनुभव कौन करता है? यह मन। मन से मनुष्य है, मन अनुभव करता है। मन से हम सुखी होते हैं, मन से हम शांत होते हैं। मन से शांत हैं तो हम शांत हैं, मन से हम सुखी हैं तो हम सुखी हैं, मन से हम आनंदित हैं तो हम आनंदित हैं। लेकिन यह मन इस संसार में, इस संसार की नकारात्मकता के वशीभूत हो जाता है, क्योंकि संसार द्वैतमयी है। यहां सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, पाप पुण्य, इन सब का अस्तित्व है। एक्शन है तो रिएक्शन है, क्रिया है प्रतिक्रिया है, सुख है दुख है, इससे संसार चलता है। और इस द्वैतमयी संसार में फंसकर, उलझकर जीव दुखी होता है, मनुष्य दुखी होता है, आदमी का जीवन अत्यंत कष्टमय, अत्यंत दुखमय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके मन के भीतर सारे के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। वो सुख को जो बाहर की वस्तुओं में, बाहर के संबंधों में, बाहरी वस्तुओं की उपलब्धि, रिश्तों में जो ढूंढता है, वो उसके भीतर है। उसका मन उसे भीतर ही भीतर दे सकता है, अगर उसे ढूंढा जाए भीतर जाकर। तब यही सबसे बड़ा रहस्य है जो जीव समझ नहीं पाता, और अपने जीवन का बहुत सारा समय दुख में, व्याधियों में व्यतीत कर दिया करता है। अगर हम किसी वस्तु का भोग करते हैं, उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि आप किसी मिठाई को ही खाते हैं, आप किसी मिठाई को जब खाते हैं तो वो मिष्ठान आपको आनंदित, आनंद कहाँ है? आनंद मिठाई में नहीं है, आनंद तो आपके भीतर है, वो मन आपके भीतर है, वो अनुभव कर रहा है, और उसकी एक सीमा है। मान लो कि आपने एक मिठाई खाई, आपको आनंद आया, दो मिठाई खाई, आपको आनंद आया, आपने 10-20 मिठाई खा ली, जब ज्यादा खा लोगे तो आनंद आना बंद हो जाएगा। अगर उस मिठाई में, अगर उस वस्तु में आनंद होता, फिर तो आप उसको 100 पीस मिठाई भी अगर आप खा जाते तो आपको आनंद ही देता, लेकिन आनंद उस मिठाई में नहीं है, आनंद आपके भीतर है। आनंद को अनुभव करने वाली शक्ति आपके भीतर है। उस बाहरी वस्तु हमें एक सीमा तक ही आनंद देती है, लेकिन उस आनंदित होने वाले मन का, चित्त का रहस्य हम जान जाएं, उसके रहस्य को हम समझ लें, तो हम निरंतर ही आनंदित हो सकते हैं, स्वयं भी आनंदित हो सकते हैं और दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं। उस आनंद का प्रसार हम संपूर्ण जगत में कर सकते हैं। और संसार में ऐसे लोग हुए
जिनको हम संतों के नाम से जानते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी के नाम से जानते हैं, जो स्वयं आनंदित हुए और आनंद को प्राप्त करने का मार्ग भी दूसरों को दिखाया, वो कहीं बाहर नहीं, स्वयं के मन के भीतर है। इसलिए किसी ने कहा, किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। ये मन है जो दुखी करता है संसार में, ये मन है जो सुखी करता है, इच्छाएं करता है। क्या इच्छाएं नहीं करनी चाहिए? इच्छाएं अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की रचना इच्छा से हुई है। स्वयं भगवान ने अपनी इच्छा से इस संपूर्ण संसार को बनाया, तो फिर हम इच्छा क्यों ना करें। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं जीव की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता हूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीव दुखी क्यों है, अगर उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण ही होती हैं और भगवान करते ही हैं। कुछ है जो वो नहीं जानता है, और वो क्या है कि इच्छा करनी कैसे है। मन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये मन स्वयं ही आनंद का सागर है, ये आपका जीवन आनंदित कर देगा अगर आप इस मन पर ध्यान दोगे, जैसे कि आप ध्यान इस शरीर पर देते हो। आप कपड़े की दुकान में गए, अब आपको वस्त्र कपड़े खरीदने हैं। जब आपको कपड़े खरीदने हैं, आप दुकानदार से बहुत सारे कपड़े निकलवा देते हैं, लगभग 10 पीस 20 पीस, और उनमें से कोई एक वस्त्र चुनते हैं और दुकानदार से कहते हैं, उस शॉपकीपर से कहते हैं कि भाई मुझे ये पैक करके दे दो। आप एक वस्त्र खरीदते हैं, लेकिन निकलवाते कितना है? 10 या 20। आप सब्जियां खरीदते हैं, आप होटल में खाना खाने जाते हैं, पूरे मेनू की लिस्ट देखते हैं, चुनते हैं उसमें से हम क्या खाएं। आप सब्जी के मार्केट में जाते हैं, आप वहां पर सब्जियां चुनते हैं कि कोई आलू खरीदना है आपको, तो आलू आप अच्छा पैसे देने हैं तो आप अच्छे आलू खरीदो। गोभी खरीदने हैं तो आप बड़े ध्यान से उस गोभी को खरीदते हैं कि भाई गोभी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, ये आपके शरीर का विषय है, आप इसी प्रकार से अपने मन पर ध्यान नहीं देते। शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को ढकना है अच्छे वस्त्रों से, सुंदर सुसज्जित वस्त्रों से, इस बात का ध्यान है। लेकिन मन को भी अलंकृत करना है, मन का भी कुछ भोजन है, मन का भी स्वास्थ्य होता है। और आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस एक डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो इस बात पर रिसर्च करती है कि मन के कारण कौन कौन से रोग लगने वाले हैं शरीर को। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में लगने वाले 85% रोग हमारे मन के कारण लगते हैं। और मन की खुराक क्या है? हमारी सोच, हमारे विचार, हम कैसा सोचते हैं, हम किस प्रकार से सोचते हैं। जिस प्रकार से हम फलों को चुनते हैं, फलों के मार्केट में जाकर, सब्जियों के मार्केट में, बाजार में जाकर हम सब्जियों को चुनते हैं, कपड़ों के बाजार में जाकर हम कपड़ों को चुनते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों का चयन करना होगा, चुनना होगा कि हमें अपने मन में कैसे विचार रखने हैं, हमें अपने मन में कैसी सोच रखनी है। वो सोच हमारे आनंद का कारण बनेगा। मन स्वस्थ होगा तो मन ताकत रखता है शरीर को स्वस्थ करने की। मन कितनी ताकत रखता है, अगर हम पतंजलि योग दर्शन को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, कई वाणियां हैं जहां पर मन की शक्ति का वर्णन हुआ है महापुरुषों के वाणियों में। मन तो पूरी दुनिया हिला देने की ताकत रखता है, मन के अंदर इतनी शक्ति है। एक विचार, हम उन विचारों को अपने मन में कैसे धारण करते हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, नकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, हम उन्हें मन में रखते हैं या निकाल देते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार से रखते हैं। अच्छे विचारों को रखते हैं, अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा, अच्छे कर्म का निर्माण होगा, उस व्यक्ति का उत्साह अच्छा होगा, आत्मविश्वास अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा, वो काम भी अच्छा करेगा।
तो ये सोच है, हमारे विचार है। मन का निर्माण विचारों के प्रवाह से होता है कि विचारों का प्रवाह कैसा है, नकारात्मक विचारों का प्रवाह है या सकारात्मक विचारों का प्रवाह है, कमजोर विचारों का प्रवाह है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले विचारों का प्रवाह है या आत्मविश्वास को गिराने वाले विचारों का प्रवाह है। हमारे सोचने का दायरा कैसा है, हम किस दायरे में सोचते हैं और अपनी सोच को कैसा रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से हमारा मन हमारी सोच के अनुसार उसका तीन भाग में उसका विभाजन होता है, वो तीन प्रकार का हो जाता है। एक अवचेतन मन, एक चेतन मन और एक अतिचेतन मन, सबकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड, कि अवचेतन मन, फिर चेतन मन, फिर अतिचेतन मन। जब वो अतिचेतन अवस्था को प्राप्त करता है तो बड़े बड़े चमत्कार करने का सामर्थ्य उस मन में आ जाता है। लेकिन जब अवचेतन रहता है, उसमें चेतनता नहीं रहती है, तो फिर चेतनता की कमी के कारण, वो चेतनता होने का मतलब कि हम मन के प्रति चेत जाए। जिस दिन हम मन के प्रति चेतना शुरू कर देंगे, हमारा मन अवचेतन से अतिचेतन की यात्रा प्रारंभ कर देगा और बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाएगा, असंभव को भी संभव कर दिखाएगा। ये हमारे मन की शक्तियां हैं। कैसे जागृत होंगी, हमें करनी पड़ेगी, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना पड़ेगा, फिर ये संपूर्ण बाह्य जगत हमारे नियंत्रण में होगा। हम सब कुछ नियंत्रण कर लेंगे, अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को, और एक उत्कृष्ट और असाधारण जीवन को हम प्राप्त कर लेंगे। ये संभव है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। और जो कुछ भी लिखा गया हमारे धर्म शास्त्रों में, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग जगहों पर लिखा, उनका लक्ष्य था सुख की प्राप्ति। सुख कैसे प्राप्त हो, किस प्रकार से हम जीवन जिए, और हमारे शास्त्र यही समझाते हैं कि पहले अंतर्मुखी हो जाओ, इस दुनिया को जानने के पहले स्वयं को जानो। जिस दिन सेल्फ अवेकनिंग हो जाएगी, आत्म जागृति हो जाएगी, उस दिन हम जीना सीख जाएंगे, उस दिन हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद जान जाएंगे कि हमें कैसे जीना है। इसलिए हमें सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा अपने मन के प्रति, अपनी सोच के प्रति और अपने विचारों के प्रति। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा, लेकिन आगे इन विचारों का सिलसिला जारी रहेगा। YouTube पर आप सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे सुने। आगे के विचारों में हम बताएंगे कि कैसे मन को हम अपने अनुसार, हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, अवचेतन मन को हम कैसे प्रोग्राम करें, अवचेतन मन होता क्या है, उसके रहस्य क्या है, इन सभी विषयों पर हम सुनेंगे। और कैसे माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे उसे पावरफुल बनाया जाता है ताकि हम उसके चमत्कारी परिणामों को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को आनंदित कर सकें, हम ये कह सकें कि हमारा आनंद, हमारा सुख हमारे भीतर है और संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति हमारे इस आनंद में खलल नहीं डाल सकता, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और ना ही किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता है हमें स्वयं में सुख को प्राप्त करने और आनंद को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।